इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर्म मान लेना। महात्मा कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे, रात का समय, गर्मी का मौसम, और वहीं साथ में किसी एक काशी की सुप्रसिद्ध वैश्या का गणिका का मकान था। अब वो गणिका ने जब आवाज सुनी परमात्मा की, ये प्यारी वाणी सुनी भी, मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम, तो उस लड़की को एकदम जो है ना यह कसक हुई कि हे भगवान, परमात्मा का नाम जिक्र हो रहा है, तो उस अपने महल की खिड़की के साथ आकर बैठ गई अंदर ही, और उधर परमात्मा ज्ञान सुना रहे थे। उस लड़की के हाथ पांव कांप गए, अकरे तरह गजब हो, यौवन तो सारी उम्र जुल्म ही जुल्म कर लिए, और मेरा क्या होगा, अब के करूं, अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खराब कर दिया, ये अनमोल जीवन कितनी कीमत बताई संत ने। तो उसने सोचा भी समाधान भी इन्हीं के पास हो सकता है, जो रोग बता रहा है तो दवाई भी जानता होगा। तो नीचे उतराई वाली लड़की अपने मकान से बाहर आकर और करबद्ध खड़ी होगी गुरुदेव के सामने। उस लड़की के को आए हुए देखकर वहां श्रोता जन दो थे, 100, 200, 400, उन्होंने देख लिया ये तो वैसे आ गई। उनमें से दो चार खड़े हुए कहने लगे, तू भाग जा यहां से, भाग जा यहां से, निकल जा, तू बदनाम औरत है। परमात्मा कबीर जी कहने लगे, अभी क्या बात है, कहने लगे वो शिष्य कहने लगे, जी या तो बहुत निकम्मी लड़की, बदनाम औरत है, इसको तो यहाँ आगे तो दुनिया जो है ना हमें पता नहीं क्या क्या कहेगी। परमात्मा बोले, बैठ जा, आ जा बेटी, इधर आ, हाँ क्या कहना चाहती है। उसने बताया कि परमेश्वर, हे गुरुदेव, आज मैंने आपका सत्संग सुना और ये सामने मेरा मकान है और मैं वैश्या हूँ। परमात्मा, आज तक मुझे को ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला, आज मेरी आत्मा कांप रही है, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा बोले, बेटा नौका का स्वभाव होता है जल दरिया से पार करने का, उसमें फूस धरो चाहे पत्थर, चाहे उसमें रुई धरो यानी हल्का पदार्थ या भारी रखो, बेटा वो पार कर दिया करता है। हमारे पास एक ऐसा नाम रूपी मंत्र है, उस नौका में आपको बैठा देंगे, पार हो जाएगी। यानी कितना ही खराब कपड़ा हो, साबुन और जल के योग से स्वच्छ हो जाता है। अपुण आत्मा परमात्मा की वाणी है, भाई कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते हैं कि कोई साधु संत, कोई भक्त, यदि उसको कोई रोग है, कोड लग रहा, कोड एक गर्भित रोग होता था, होता है, और उस कहते हैं जब वो कोड भी लग रहा किसी भगत का, उसका नफरत मत करिए, उसको प्रणाम करिए, सच्चाई बोलिए, प्यार दिए उसको, क्योंकि वो भक्त है, वो भक्ति कर रहा है, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने से आपको हानि घनी हो जाएगी। और वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि गणिका बहन और उसको भी परमात्मा का विश्वास है, भगवान को चाहने वाली है, उसे नफरत मत करना, उसको एक साधु संत भक्त भाई बहन की तरह डील करना, उसे नफरत करोगे तो वो आएगी नहीं सत्संग में, नहीं आएगी तो वो स्वच्छ कैसे होगा। बालक डाकू है, चोर है, शराब पीता है, तम्बाकू प्रयोग करता है, वो सत्संग के वचन नहीं सुनेगा तो उसको पता कैसे चलेगा ये इतना अवगुण है।
और सत्संग रूपी जल में वो आएंगे तो वो साफ होंगे। तो परमात्मा ने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन किया वहां उन उपस्थित भक्तों को समझाने के लिए, और कहा बेटी तू उपदेश ले सकती है लेकिन ये दुष्कर्म छोड़ना पड़ेगा। वो कहने लगी पिता गुरुदेव आज से ही कल से ये ताला लॉक लग जाएगा इस घर का, यानी आपकी बेटी ये गलत काम नहीं करेगी। तो परमात्मा बोला बेटी नाम ले लिए उपदेश ले और वहां आ जाना, यानी दो तीन सत्संगों में उसको वैसे बुलाया, नाम नहीं दिया कि कहीं या ऊपरले मन तक कहती और फिर सारी गलती करें जावे। तो तीसरे चौथे सत्संग में वो आती रही, ज्ञान सुनती रही और उधर से उसने वो सारा दुष्कर्म बंद कर दिया। हमारे समाज की एक और विशेषता है कि उस जीवन में उसकी वह फीत तारा ना कर दे जो पहले वो गलती करता था, करता है वह लड़का है या कोई चोर है तो चोर भी उसने फिर भी नहीं कहेंगे वो फलाना चोरा का चोर, और उसको फिर भी गनका ही बोल रहे थे जबकि उसने सारे दुष्कर्म त्याग दिए थे। अब वो लड़की मालिक के चरणों में आई उपदेश ले लिया और फिर वो प्रत्येक सत्संग माने लगी, जहां भी सत्संग हो वहीं पहुंचे और जो भी उसके पास था वो कोड कुमार रखा था धन सारा भगवान के चरणों में लाकर रख दे प्रभु सतगुरु उसके भंडारा करवा दे धर्म पर लगा दे। तो पुण्यात्मा हमने सत्संग में बहुत विवेक से रहना पड़ता है, रहना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, संत के प्रवचनों पर विचार करना चाहिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वह लड़की जब आने लगी अधिक प्रत्येक सत्संग में और निकट आकर बैठ जावे गुरुदेव के पास, तो सत्संग में जो विवेकहीन प्राणी होते हैं वो पता नहीं क्या क्या दोष लगाने लगे गुरुदेव के ऊपर भी। तो ऐसे दोष रखने वाले तो वो गुरुद्रोही बन जाते हैं, ये होते हैं दो चार दस बीस ही हैं। और दूसरों को उन्होंने सुर कर दी भाई बात अच्छी नहीं, अपने सत्संग में गैस एक वैश्या आती है भाई आसपास के नगर निवासी कहते हैं भाई तुम तो बदनाम औरत को रखते हो, वहाँ तो गंदी औरतें जाती हैं, हम अपनी बहन बेटियों को वहाँ नहीं जाने देंगे। यानी वो सत्संग में आने वाले गुरुजी के अनुयायी इस तरह की अपनी अपनी अटकल लाने लगे। उन्होंने कहा भी गुरुजी से कहना ही पड़ेगा एक दिन, गुरुदेव को तो कहा नहीं, उस लड़की को धमकाने लग गए फिर कि तुम मत आया कर यहाँ पर, तने सारा माहौल खराब कर दिया, आसपास के लोग ताने देते हैं। तो उस लड़की ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव ए महाराज जी अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रास्ता बताओ प्रभु। परमेश्वर कबीर जी ने कहा क्या बात बेटी कि यहाँ सत्संग में आती हूँ तो कुछ भक्त जन मुझे यहाँ आने से रोकते हैं, परेशान करते हैं कि तू बदनाम औरत है, तेने माहौल खराब कर दिया। परमात्मा बोले तू डेली आया कर बेटी और मेरे निकट बैठा कर, यहाँ आकर कोई बोला मुझे बताना, उसने तो उस समय तो वो नहीं बोले, चुप हो गए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा पूरी संगत में हो गया भाई गुरु जी का तो दिमाग ठीक रहा को ना भगवान का, अरे निकम्यो जब थारा सो सो सुख दिए जब तो भगवान थे, अरे ईव अपनी गंदी सोच से तुमने उनको क्या सोच क्या जान लिया क्या बना लिया। अब परमात्मा ने देखा भाई इनको देखता हूँ ये मेरे कितने भगत हैं, ये मुझे कितना समझा है इन्होंने। पुण्यात्मा परमात्मा क्या बताते हैं भाई गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को जी को हम अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसे थे तो तुम्हारे पहले आप पर सुख क्यों ना हो गए भाई। वह परमात्मा क्या कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहां कहां भटक रहे थे, परमात्मा बता रहे अपने ऊपर उदाहरण दे के
और जब परमात्मा जैसे संत मिल गए, उन्हें सारे सुख दे दिए, तो भगवान है वो। तो परमात्मा कबीर जी ने सोचा लैन की फड़क काट दूं सारी है। तो परमात्मा ने सोचा कि ये सुर 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 कर रहे हैं भाई, गुरुजी तो ऐसे हो गए, अगर गुरुजी हैं वैसा को लाने लगे, बुलाने लगे। और परमात्मा और भी लीला की, सत्संग के बाद उस बेटी के घर पे भी जान लाएगी शाम ने, यानी दिन में जैसे अपना दिन से कार्य से फारिग हुए, शाम के समय उस गणिका के उस बेटी के उमंग को देख कर, उसकी जिज्ञासा को देखकर उसके आंगन में उनके घर जाने लगे और उसको ज्ञान समझाने लगे बेटी को कि बेटा ये भगवान का मार्ग है, दुनिया कुछ भी कहे अपना भक्ति कर परमात्मा के मार्ग पर। परमात्मा के इस भक्ति में ये गुण है कि आपके सर्व पापों का नाश कर देगी और किसी की ना सुनना। अब हम अपने तराजू में तोलते हैं दूसरे को, चोर को सभी चोर नजर आते हैं। एक चोर के घर पे एक रास्ते चलता कोई नेक आदमी रुक गया, अब चोर ने रोकते लिया, वो पहले उसकी जेब टिटोली समझ केवल तमाखू पाया, कुछ नहीं पाया, पैसे नहीं थे, राह चलता आदमी बेचारा गरीब था। अब वो नेक आदमी तो सो गया और वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात न तेरा चोरी करके ना चला जाए, क्योंकि वो अवगुण उस चोर में विद्यमान था, उस नेक आदमी में नहीं था। वो तो चैनते सो रहा है और वो जो जिसमें दोष था उस नेक आदमी में भी वही दोष देख रहा था कि रात ने उठकर चोरी ना कर ले। तो ऐसे ही हम जैसे हैं, हम दूसरे को उसी तराजू में तोल देते हैं। जैसे ये बेबे लड़ा कर ना बहने आपस में, नो क्या करें ईसिया नहीं सी दिखा करें, यानी नकम्मी औरत होगी तो नो कहेगी तू इसी तो नो क्या करे, वह लड़ा ना करे का दी समझदार सी, नो कहेगी ईसिया नहीं सी दिखा करें। तो जिसे ये इंसान होगा उसने वैसा ही दूसरा दिखाई देगा, उसका अपना अंतःकरण उसमें झांक रहा है। अब वहां जान लग गए तो संगत में और ज्यादा बिजली गिर गई और सब जगह ये चर्चा का विषय बन गया, भाई महाराज जी तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया महाराज जी का तो है, और बहुत गलत हो गया। इतना तो परमात्मा ने सोचा लैन की उमाताले बैल की तरह नकती है, सारे दिन स्पीकर बजा दी, अब जो सीधे होने होंगे वो हो जाएंगे, ना होंगे तो चल जाएंगे, इनका मैं गड्डूंगा क्या करूंगा, जब इन अपने गुरु पर विश्वास नहीं, ये कहां फिर सतलोक जाने योग्य हैं। अब उनका एक खास शिष्य, विशेष शिष्य और मित्र रविदास जी थे। रविदास जी से कहा कि रविदास जा एक हाथी किराए पर ले आ और एक दिन का किराया दे दिए उसने और कह दिया भाई हम आप हाँ गया थी ने, आप पीलवान बन जाना ड्राइवर और ठीक है। अब रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया, रुपया अठनी जो में एक दिन का किराया था वो हाथी किराए पर ले आया। अब कबीर परमात्मा ने कहा उस लड़की से वैसा, उस बेटी से, क्योंकि गणका नहीं रही थी समाज, फिर भी उसको गणका ही सोच रहा था, कहा बेटी आज तू हर सुंदर हर बढ़िया गहने पैर और सुंदर श्रृंगार हार करके मेरे साथ चल। अब उस लड़की ने कहा ठीक है पिताजी, जो आपकी आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना अति अनिवार्य होता है। तो उस लड़की ने सारा अपना सुंदर कपड़े पहन पुन कर सारा मेकअप कर लिया और परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया कि एक गंगा जल भर लिया सीसी में और हाथी, जैसे हाथी के को ड्राइवर तो कर रहा था, ड्राइविंग तो कर रहा था रविदास जी, और उसके बाद में वह लड़की बिठा ली हाथी पर और पिछली साइड में आप बैठ गए और लड़की के कंधे पर हाथ रख ली और एक हाथ में वह बोतल दो देसी शराब दिखी थी हाथ तो काटी हुई, उस बोतल ऐसे मुंह कला के दो चार घूंट पर नो करें और उस लड़की के हाथ कंधे पर, और परमेश्वर ने कहा कि रविदास उस अच्छे उस बड़े बाजार में निकाल दिया अच्छी नेक में
सारे की फटक निकल जाए, काशी वाले की भी। अब ऐसा ही किया, जो घनी अच्छी दुकान थी, बड़ा बाजार था, उसके माँ के और वो दोनों संत रुआ बेटी चल रहे हैं। अब जोन सा भी देखे, नो कह रहे यूँ क्यों सांग हो रहा है, नो कह यूँ दानक सब जुलाया कबीर, अरे हम तो पहले कहा करते भाई बिजली गिरेगी उड़े, गंदी औरतें जाती हैं, देखा पाठ की पोलिस की सरेआम शराब पी के इसने पता नहीं तू कहाँ घूम रहा है। इनके तो भाई सत्संग में भी ये जुल्म हुआ करते, हम पहले कहा करते थे। अब वो बुला बुला लिया उन चेलों को, कुछ ऐसे भक्त होते हैं उसमें और अच्छी आत्माएं भी थी, वो घनी सी ध्यान नहीं दिया करते बकवाद्या पर, हालांकि मैक्सिमम संगत के अंदर अटपट होगी थी, वह फिर भी उस समय तक विशेष प्रभावित नहीं थे। तो उनको लाओ बुला के दूसरे लोग, क्या जा तो क्या करता भगवान आ रहा है, आज तेरे भगवान ने दिखावा के जुल्म कर दिया रही सा सरेआम, तो कोई भी ना करा करा वैश्यावर्ती करता जा रहा है। अब वो भगत आओ बाजे और देखें वो बैठे तुम्हारे गुरु जी, तो नो कह मैं तो एक दिन गया था बस, मैं ना जाया करता उड़े, यानी वो जो कति जिनके इतने सुख दे रखे थे वो समाज तो डर के अब भगवान पर अविश्वास करके और परमात्मा से विमुख हो गए। 64 लाख में से 2 अर्जुन और सर्जुन नाम के ये 2 शेष बचे थे, ये कहीं बाहर गए हुए थे मक्का मदीना की सैर सपट्टे को, वो वापस आए। वापस आए तो इब और संगत तो भाग भूगी सारी, कबीर जी द्वारा कोई ना जावे कि उनके सुख खूब हो गए, किसी पापत्ति रही कोई ना। यह लास्ट की बात है, 10-11 वर्ष पहले परमात्मा सतलोक गमन से पहले। और वो परमात्मा ने क्या किया कि वो हाथी पे घूम घाम के सारी लीला करके, तो परमात्मा कबीर जी प्रतिदिन उस लड़की के घर पर जान लग गए, क्योंकि एक दोया की परीक्षा और रह रही थी। वो अर्जुन सर्जुन आए 10-5-20 दिन में वापस, तो सभी शिष्यों ने कहा कि भाई गुरु जी तक कति बिगड़ गए और भाई हम तक कि बाहर निकलन जोगे नहीं छोड़े, ऐसे ऐसे एक वैश्या के पास जाते हैं और एक दिन तो शराब के नशे में, उन्हें ये भी नहीं पता तू कहाँ घूम रहे हो, और सरे बाजार में उस वैश्या को लिए फिर रहे थे हैं, और भाई गुरु जी पहले वाले कौन रहे। अर्जुन सर्जुन ने कहा तुम क्या क्या बक रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, निकम्मे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी जीभ कट जानी चाहिए, तुम एक महापुरुष पर ऐसा लांछन लगा रहे हो। वो कहने लगे तेरा तुम्हें यकीन नहीं, अगर नहीं हमें कोई यकीन नहीं हो सकता तुम्हारी बातों का, हम उनको बहुत निकट से जानते। अरे तुम नहीं मानते कि नहीं मानते कि आज भी शाम को देख लेना उनके, उसी के पास मिलेंगे। अब अर्जुन सर्जुन ने सोचा भी जय आज भी गुरुजी हमें वहां मिल गए था फिर तो बात अब झूठी तो नहीं हो सकती। अब शाम के समय वो गए, गर्मियों का दिन, आंगन में बैठे गुरुजी, परमात्मा चारपाई पर, वह बेटी बैठी नीचे और परमात्मा के पैर दबा रही, और परमात्मा कबीर जी उनको ज्ञान सुना रहा अपनी बेटी को। अब अर्जुन सर्जुन ने झांक कर देखा, नू सामने बैठे होता है, एक बात आगे निकल गए, फिर सोचा भाई जकर तक करना चाहिए, ये तो बात बिगड़ गई, गुरुजी बदनाम हो जाएंगे यहां बैठने से। तो दोनों अंदर आ गए, उनका पहले वाला भाव नहीं था। दोनों ने फिर भी कुछ शिष्टाचार का सहारा लेते हुए कहा कि गुरुदेव आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, ये तो एक बदनाम औरत का द्वार है, प्रभु आप जैसे महापुरुष बदनाम हो जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा कि अर्जुन सर्जुन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई, अब तुम मेरे शिष्य नहीं रहे, मेरे गुरु हो गए, जब तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो भाग यहां से, भाग जाओ यहां से। अब क्या कहा परमात्मा ने, कहा कि ऊंच नीच में हम रहें ये तो हार्ड चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द स्नेह। अब अर्जुन सर्जुन की कुछ अच्छी किस्मत थी, वो जान गए कि तुमने तो बात बिगाड़ दी, निकम्मे इतना ज्ञान दिया करते परमात्मा डेली,
और आज ये ऐसा हो सकता है। फिर उनकी अबुद हिम्मत आ गया बात, लेकिन बात बिगड़ चुकी थी। दोनों ने पैर पकड़ दिए परमात्मा के और कहा, परमेश्वर हम पापियों को माफ कर दो, हम पापियों को माफ कर दो। अन्य वो जो 64 लाख का टोल था, उन्होंने तो माफी भी ना मांगी। और उन दोनों ने आकर अक्षमा याचना की। परमात्मा बोले, भाई बात सुन ले। कहते हैं जैसे एक कवि का एक दुआ है कि ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर मिले, नहीं मिले तो गांठ पड़ जावे। अब गुरु शिष्य का जो नाता ये बहुत नाजुक होता है। अभी तक तुम मुझे ईश्वरीय ईश्वर समझ रहे थे, ईश्वर नहीं समझ रहे थे, परमेश्वर की शक्ति से युक्त जरूर मानो थे, और उस भाव से तुम चलते रहते तो तुम्हारा कल्याण होता। अब अर्जुन सर्जुन, तुम मेरे इस शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, कितनी नम्रता कर लो और कितना तुम माफी मांग लो, तुम्हारे अंदर दोष घर कर चुका है। अब मैं तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते, तुम्हारा वो भाव नहीं बन सकता। अब वो भी मान गए इस बात ने, कहा हाँ गुरुदेव बात तो आपकी न्यो की न्यो है, पर परमात्मा आपने ऐसा ज्ञान दे दिया, अब हम मरण के रहे ना जीण के। हे परमात्मा, जब दूसरा जन्म हो गया हम पापियों का, आप ही रोज बताते हो ना जाने कहाँ पटकेगा ये काल, ना जाने किसी लोक में पहुंचा दे, ऊपर देवता अपने अंडे ना धक्के खानते और फिर अपने मलाई खत्म करके फिर आ जाए। हे परमात्मा, हम दूसरा जन्म नहीं चाहते, खूब बुरी तरह रोने लगे, यानी उन्हें हृदय से रोना शुरू कर दिया और काफी देर तक आंसुओं से कपड़े भी लिए। तब परमात्मा ने कहा, बेटा तुम्हें इसी शरीर में पार करूंगा, पर मैं फिर कोई और लीला करूंगा। कहने लगा, प्रभु कितना समय लगेगा? कि समय लगेगा, अभी सैकड़ों वर्ष और लगेंगे। हे परमात्मा, क्या हम उस समय तक जीवित रह सकते हैं? परमात्मा बोले, ये तुम्हारा काम नहीं, ये हमारा काम है। और उनको कहा कि मैं इस दिल्ली से 30 मील की पश्चिम की ओर, 30 मील पश्चिम की ओर किसी गांव में मेरी प्यारी आत्मा आवेगी, और उसको मैं जाकर के मिलूंगा, उसको उपदेश का आदेश दूंगा, आप उससे उपदेश लेकर तुम फिर अपना कल्याण करा सकोगे इसी जीवन में। अपने आत्माओं, सन 1518 में परमात्मा सह शरीर चले गए थे, सन 1727 में परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को छुड़ानी गांव जिला झज्जर हरियाणा में आकर मिले थे, और उनको सतलोक की पूरी परिभाषा ऊपर दिखाई थी, समझाई थी, और फिर उस आत्मा को गरीबदास साहिब जी की आत्मा को वापस छोड़ा था। तो सपने में उनको जिस दिन वो परमात्मा आकर जा चुके, गरीबदास जी को आदेश देकर चले गए, उस रात्रि में स्वप्न में कबीर जी वो परमात्मा उसी रूप में उन दोनों को दर्शन दिया कि तुम वहाँ छुड़ानी गांव में जाओ, वहाँ गरीबदास नाम के एक भक्त हैं, उनको मैंने आदेश दे दिया है, तुम उनको उससे उपदेश ले लो। अब दोनों सुबह उठे सूते, दोनों ने एक दूसरे को बताया कि गुरु जी दिखे थे और ये कह रहे थे कि छुड़ानी में हमने उस तुम्हारा प्रबंध कर दिया है, गरीबदास जी से उपदेश लिया। फिर कहा, प्रभु हम तो फिर कहाँ जाएंगे, आपके चरणों में यहीं रहेंगे। तो वो दोनों वहीं रख दिए, गरीबदास जी ने अपने पास रख लिए, और 6-7 महीने वो जीवित रहे, और उनका वो फिर दोबारा बैटरी चार्ज होगी, और उसी जन्म में उनका कल्याण परमात्मा कबीर जी ने करवा दिया। महात्मा बंदी छोड़ कहते हैं, भाई भक्ति कराया करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222
8 8 0 5 4 1 8 2 2 2 8 8 0 5 4 2 आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatguru-rampalji.org। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।